Divide RS 510 between A, B, and C so that A gets 2/3 of what B gets, and B gets 1/4 of what C gets, and find the share of each. तो सबसे पहले हम ये कंसिडर करेंगे जो सी के पास जो शेयर है इसका, उसको हम एक्स सपोज कर लेते हैं, फिर सी की टर्म में बी का फाइंड कर लेंगे और बी की टर्म में ए का फाइंड कर लेंगे. लेट्स सपोज अब कि सी का शेयर हमारे पास एक्स है, क्योंकि यहाँ पे उसने कुछ भी नहीं बताया इसके बारे में. अब उसके बाद नेक्स्ट है बी गेट्स 1/4 ऑफ व्हाट सी गेट्स, तो इसका मतलब हुआ कि बी का शेयर हमारे पास 1/4x होगा, या फिर इसको हम x बाय फोर भी कह सकते हैं. उसके बाद अब a का शेयर है, a का शेयर जो है वो 2/3 है ऑफ द शेयर ऑफ b, लाइक दिस. अब b का शेयर जो है हमारे पास 1/4 है, या x 1/4x या फिर x बाय फोर है, तो 2/3 को हम x बाय फोर से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये हमारे पास 2x बाय 12 आ जाएगा. तो यहाँ से 2 1 2 2 6 12 ये कैंसिल भी हो सकता है, सो वी गेट x बाय 6. अब जो हमें क्वेश्चन में टोटल अमाउंट दी हुई है वो 510 रुपीज़ है. अब इस 510 को हमने तीनों में ए बी और सी में डिवाइड करना है, तो बेसिकली हम इन सब को ऐड कर लेंगे. सी हमारे पास एक्स है, बी हमारे पास एक्स बाय फोर है, और जो ए है वो बेसिकली एक्स बाय सिक्स है, तो हम तीनों को ऐड कर लेंगे. ऐसे राइट कर लिया हमने इसको, एक्स प्लस एक्स बाय फोर प्लस एक्स बाय सिक्स, ये इन सब ने 510 रुपीज़ का शेयर लेना है. नेक्स्ट हम इक्वेशन को यहाँ पर सिम्प्लीफाई कर लेंगे, इसका एलसीएम ले लें. इसका एलसीएम 12 आता है, सो यहाँ पे आपके पास 12x आएगा. 4 3 12, तो यहाँ पे 3x आ जाएगा. 6 2 12, तो यहाँ पे 2x आ जाएगा. दिस इज इक्वल टू 510. 12 को 510 से मल्टीप्लाई करा लें और इन सबको आपस में ऐड कर लें. अब इसको 17 पे डिवाइड कर लें इस इक्वेशन को. 17 1 17 and 17 30 are this 1. 30 को 12 से मल्टीप्लाई करा लें, तो यहाँ से आपके पास RS 360 आता है. नेक्स्ट अब जो हमने एक्स के शेयर की बात की थी, बेसिकली सी का जो शेयर है वो एक्स था, तो इसका मतलब ये हुआ कि सी के पास जो है वो 360 रुपीज़ है. अब बी का शेयर होगा कि सिंपल हम 360 को 4 पे डिवाइड कर देंगे, और ए के शेयर के लिए 360 को 6 पे डिवाइड कर देंगे. तो यहाँ से ए के शेयर में 6 1 6 and 6 is 36, तो ये 60 रुपीज़ आ जाएंगे ए के शेयर में. इसी तरह से बी का भी शेयर फाइंड करेंगे, 4 1 4 और 4 9 36, तो ये 90 रुपीज़ आपके पास बी का शेयर आ जाएगा. हम क्रॉस सर्च चेक करने के लिए हम तीनों को ऐड भी कर सकते हैं, यानी 90 60 और हमारे पास 360, ये 510 रुपीज़ के इक्वल आना चाहिए.